नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक छोटा सा वीडियो आपका बनाना चाहता हूँ। आप इतना कष्ट उठा के यहाँ तक आए हैं और आपने जो है जंगली खेती देखी है थोड़ी। अब यहाँ खेती तो इस समय नहीं है, फसल कट चुकी है, पर आप जो आए हैं तो आपको कैसा लगा देखने के बाद में? अच्छा लगा। और विचारधारा अपनी, वैसे तो आप फेसबुक में हैं तो एक और जो आप अपना जो गुरु जी के बारे में थोड़ी बात कर रहे थे ना, मैं वो अच्छा। चाहता आपके मुँह से सुनना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कि वो जो दर्शन आपने पाया है, हाँ, उस दर्शन के बारे में थोड़ा अच्छा, बताएं। हाँ, मेरे गुरु जी अग्रहार नागराज शर्मा, वैसे बेसिकली वो कर्नाटक के रहने वाले थे, लेकिन अमरकंटक में रह के उन्होंने करीब 25 साल तपस्या करके जी, और फिर 25 साल उस तपस्या के फल को अपने जीवन में जी के जी हाँ, ये समझने का प्रयास किया कि जीवन में प्रकृति और ईश्वर और मानव के बीच में क्या संबंध है। अच्छा जी। वो तीनों के अंतर संबंधों को पहचानते हुए मानव कैसे सुखपूर्वक आनंदपूर्वक निरंतर जी सकता है प्रकृति के साथ में, बगैर प्रकृति को नुकसान किए हुए। जी हाँ। तो उनका यही कहना था कि प्रकृति ने तो आपको भरपूर दिया हुआ है, जी हाँ, बस आपको समझने की ज़रूरत है उसको कैसे और कब इस्तेमाल किया जाए, जी हाँ, ताकि उसका शोषण नहीं हो सके, उसका दोहन नहीं हो सके। जी हाँ। तो इसी आधारित उन्होंने अपना दर्शन और ईश्वर के बारे में जो उनके विचार थे वो उन्होंने प्रकट किए, वो हम लोगों को काफ़ी अच्छे लगे। प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया कि सारा चीज़ जो है सहअस्तित्व में है, और सहअस्तित्व के बगैर आदमी का जीवन जीना संभव नहीं है, क्योंकि उनका जो नारा था असल में वो था जीने दो और जियो। जियो, जीने दो, जियो। नहीं नहीं, जीने दो और जियो। जीने दो है, जियो और जीने दो नहीं। हाँ, देखिए फर्क हो जाता है। तो जीने दो का मतलब ये है कि हमसे जो निम्न प्रकृति की श्रेणी है, जैसे जीव जंतु है हमसे, जी जी जी, वो अगर उनको हम नहीं जीने देंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। बहुत सुंदर सर जी, बहुत। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो आप बता रहे हैं कि जीने दो और फिर जियो। अगर पहले जीने दो आप जी, है ना, अहिंसा, पूर्ण अहिंसा की बात आपने बताई। तो उनका जीवन से ही हमारा जीवन आधारित है। जी हाँ, सही बात। तो क्योंकि जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, जी हाँ, उनका जीवन जो है पेड़ पौधों पर आधारित है। हाँ जी। तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करते, जी हाँ, उनका खाना खाते हैं और उनको वापस बीज जो है जगह जगह फैला देते हैं। जी हाँ जी। इसलिए उनका भरपूर जंगल है आपको। जी हाँ। इसी तरह धरती का क्षरण को रोकने के लिए पेड़ पौधे हैं। जी हाँ जी। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपस में पूरकता के आधार पे, जी हाँ, एक दूसरे का पोषण, हाँ, और उपयोगिता के आधार पे हम लोग भी उसी को फॉलो अगर करते हैं, हाँ, हाँ, तो हमारा जीवन भी बचा रहेगा, जी, ये धरती भी बची रहेगी, जीने लायक रह जाएगी, जी, पेड़ पौधे भी रहेंगे, जी, और एक जो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में जो हमको दिखता है वो हमेशा बना रहेगा। जी हाँ। वैसे तो वो बना ही रहता है, लेकिन हाँ, अगर प्रकृति का नष्ट हो जाना हाँ, होता है तो फिर मानव का रहना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज आप बता रहे थे कि वो एक कोई समूह भी बन गया है। हाँ, एक समूह है। हाँ जी। कई समूह बन गए, उनमें से एक तो इंदौर में है। जी हाँ। और वो उन्होंने करीब 11 परिवार लोगों ने मिलके करीब 20-25 एकड़ के जमीन में वो लोग रह रहे हैं। 100 लोग एक साथ रह रहे हैं, मतलब एक ग्रुप में रह रहे हैं। अच्छा जी। तो उन्होंने समाजवाद की कल्पना नहीं करी है। अच्छा। ना ही कोई समुदायवाद की करी है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि मानव एक समान, जीवन रूप में एक समान। जी हाँ। तो हम जब जीवन रूप में एक समान है, मानव मानव समान है, तो एक साथ क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? इसका एक उदाहरण पेश किया है कि इतने लोग वहाँ रहें तो किस तरह से रहा जा सकता है। अच्छा। तो सभी के सभी लोग वहाँ स्वावलंबन पे अपना काम कर रहे हैं, खुद का खेती बाड़ी है, खुद का गौ पालन है, खुद का बी की पी है, मतलब बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से काम, साथ में दर्शन को भी पढ़ रहे हैं। अच्छा। और दूसरों को पढ़ा भी रहे हैं, मतलब और लोग भी उनके यहाँ आते हैं अध्ययन के लिए। 7 दिन का अध्ययन है, महीने भर का अध्ययन है, वहाँ आके रुकते हैं, रुकने वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। अच्छा। मेरा अनुरोध है राइटर जी, आप भी एक बार निश्चित, मैं तो बहुत आकर्षित हूँ आपने जब से बताया है ना, जरूर जाइएगा। हाँ, मैं चाहता हूँ। छोटे बच्चे से लेके बड़े, मतलब ऐसा उम्र का बंधन नहीं है। जी हाँ। क्योंकि वहाँ समझने की वस्तु सबके लिए बराबर है। बराबर। कोई ऐसा नहीं है कि ये बच्चा नहीं समझ सकता है, बड़ा नहीं समझ सकता, सब लोग समझ सकते हैं। और जो वातावरण आपको जो मिलेगा ना, जी हाँ, बिल्कुल जैसे कुटुंब होता है, कुटुंब इस तरह का मिलेगा आपको वातावरण। सहज रूप से सब रहते हैं और बिल्कुल सहज शैली में बातचीत होती है।
कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको आपस में विचार विमर्श करके क्लियर कर लेते हैं। कोई मतभेद जैसा होता नहीं है, और होता है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह का वहाँ चल रहा है। तो मेरे को भी यही थोड़ा लगा कि आपके साथ तो काफी समय से जुड़ा हूँ फेसबुक से, कोशिश यही कर रहा था, निगम साहब का सहयोग मिल गया। हाँ जी, आपका बहुत बहुत इनके लिए भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप भी कुछ बताएं अपने बारे कुछ। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं शुरू से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करके जी, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अकाउंटेंट बनूं जी, लेकिन मेरी अंदरूनी इच्छा थी कि मैं मैकेनिक बनूं जी। और इसी चक्कर में मैं जो है वायुसेना में भर्ती हो गया, हवाई जहाज का मैकेनिक बना। अच्छा। 15 साल वहाँ सर्विस करने के बाद और पेंशन लेने के बाद घर आ गया। अच्छा। घर में मेरा घर आने पर मेरा विचार था कि मेरा छोटा भाई मेरा साथ देगा जी, तो मैं खुद अपनी एंजिन की फैक्ट्री डालूंगा। अच्छा। जहाँ मैं मोटरों के, स्कूटर्स के, अच्छा, मोटरसाइकिल के इंजन ओवरहाल करके और मालिक को दे दूंगा। अच्छा। या मैकेनिक को दे दूंगा। ठीक है जी, ठीक है। पर लेकिन छोटे भाई ने साथ नहीं लिया। हाँ जी। तो फिर मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। अच्छा जी। और मैं यूको बैंक में चीफ कैशियर भर्ती अच्छा कर रहा, और 1994 में वहाँ से रिटायर हो गया। हाँ हाँ। अब मैं दोनों पेंशन ले रहा हूँ। अच्छा, बैंक से भी ले रहा हूँ। हाँ हाँ, बैंक से भी ले रहा। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। पर आपने जो खेती बाड़ी की बात और ये सब सुनी, जो आप का क्या मन में विचार आया, क्योंकि आप इन भाई साहब के साथ यहाँ आए। हाँ। इतना कष्ट उठा के, तो इसका कुल मिला के इस जीवन पद्धति के बारे में जो हम लोग इसमें जीव कर रहे हैं, इसका खेती का इंटरेस्ट ये है कि अब मैं शहरी जीवन से उगता गया हूँ। हाँ जी। तो मैं भी चाहता हूँ कि खेती की जमीन लूँ जो मेरे बस के अंडर हो। हाँ हाँ। नहीं, अब इतना पैसा भी नहीं तो है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा। हाँ। कि जमीन तो आपके पास ये है भाई साहब की। हाँ। ये जमीन जो है ना। हाँ। और वो जो सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इस मिलके रहने की, क्यों ना मतलब आप ऐसा एक आश्रम वहाँ बना दें अपने अपने लोगों का मिलके, और हम भी उसमें जुड़ें, हम भी ऐसा जुड़ें, भले आते जाते रहें कैसे ही करके, पर हम लोग मिलके करें। कि ये नहीं कहें, जैसा आपने एक बात बहुत अच्छी बताया कि वो जो 12 लोग रहते हैं वो ये नहीं कहते कि क्या मेरा और क्या तेरा। हाँ। वो सब हमारा। हाँ। और उस उद्देश्य को लेके जो काम हो रहा, तो ऐसा मतलब एक जीवन पद्धति हमारे को इस ज़मीन के साथ में जुड़ के विकास विकसित करने की अब ज़रूरत आ रही है। जी हाँ, ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका फार्म हाउस देख के जी, जी। और मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि विदिशा भी आए और इंदौर जरूर आप जरूर जरूर सर जी जरूर जाने का, और मैं संपर्क में रहूँगा आपके साथ जी। ठीक। रायपुर में, इंदौर में, कानपुर में, कई जगह इन्होंने सेंटर बनाए जो परिवार लोग समूह के रूप में जी। हाँ, सही। और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया हो रहा है जी। और जैसा हम लोग विचार कर पा रहे कि आदमी अनुशासन में नहीं रहे। हाँ। प्रशासन में नहीं रहे जी। किसी के शासन में नहीं रहे। हाँ, किसी के दुशासन में नहीं रहे। सही बात। स्वानुशासन में रहे। स्वानुशासन माने स्वयं के अनुशासन के अनुसार काम करे जी, तो हाँ, सुखी रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो किसी के दबाव में कोई नहीं रहना चाहता जी। ठीक है जी, ठीक है ना। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।